एक्टर्स और उनकी पेमेंट्स को लेकर अक्सर कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमें मीडिया पे दिखाई देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है बिग बॉस 14, जिसमें कविता कौशिक नजर आई थी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। जब कविता कौशिक ने एंट्री ली थी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो शो की TRP काफी बढ़ गई थी। लोगों को उनका पर्सनालिटी काफी पसंद आया था, उनका खेलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन कविता कौशिक की जब रुबीना से लड़ाई हुई तो उन्होंने शो बीच में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मीडिया में काफी सवाल खड़े हुए उनकी पेमेंट को लेकर और उनकी कमबैक को लेकर। तो आइए उन सब के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छवि जैन और आज आप देख रहे हैं सेने स्पीक्स। कविता कौशिक जब सेट से निकल गई थी, जब उन्होंने एग्जिट कर दिया था, तो सब लोगों ने उनसे पूछा था कि आपकी पेमेंट ड्यू है क्या। तब उन्होंने लोगों को जवाब दिया था कि मैं अपनी पेमेंट अब चैनल वालों से डिमांड नहीं करूंगी, मुझे फेयर प्ले करना है, मैंने शो छोड़ा है अपने बलबूते पे, मैंने अपने रीजंस की वजह से शो छोड़ा है, तो मैं उनसे पेमेंट अब नहीं डिमांड कर सकती हूँ। तो जिस पे लोगों ने बहुत बोला था कि आपको शो नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको कमबैक कर लेना चाहिए था, तब कविता ने बोला कि मैं इस शो में अब कमबैक नहीं करूंगी, मैं कोई भी रियलिटी शो में नहीं आऊंगी। अब ये मेरा ट्रेंड बन चुका है कि मैं हर रियलिटी शो में आती हूँ और मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है और मुझे छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अब वो कोई भी रियलिटी शो को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो किसी भी रियलिटी शो में नहीं जाएंगी अब, और उन्होंने बिग बॉस में कमबैक करने से भी उन्होंने मना कर दिया था। जिस वजह से कविता कौशिक पे बहुत लोगों ने मॉक किया था उन्हें ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनका परफॉर्मेंस को लेकर और उनकी और बातों को लेकर जो लोगों को बहुत बुरी लगी थी, उस पे कविता कौशिक ने बोला था कि मुझे ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए जो ऐसे फेक व्यूअर से मुझे मिले। तो ट्विटर पे उन्हें किसी ने मॉक किया था ये लिखते हुए कि आपको बिग बॉस छोड़ देना चाहिए, बिग बॉस आपके लिए नहीं बना है, आपने बिग बॉस जाकर अपनी सारी रिस्पेक्ट खो दी है। तब कविता कौशिक ने उसको स्लैम करते हुए बोला था कि क्यों भाई, झूठा अफेयर चलाया कोई, अपनी शादी के राज खोले, ये नकली आंसू बहाए फॉर फुटेज विक्टिम कार्ड खेल के, अगर इन बातों से रिस्पेक्ट मिलती है तो तेल लेने जाए ऐसी रिस्पेक्ट। यही मैं आज की अपडेट खत्म करती हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड देखते रहिए सिनेस्पिक्स। थैंक यू।